छतरपुर जिले के बिजावर अनुभाग के ग्राम गंज सुजारी पीपट थाना अंतर्गत मानकलाल अहिरवार पिता रंजीता अहिरवार उम्र 32 वर्ष की बीते रोज शनिवार को रात 8 बजे घर पर लाइट चली जाने पर उसके द्वारा लाइट रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा था। तभी पास के रहने वाले घसीटा अहिरवार वहां आया और फिजूल विवाद करने लगा, जिसमें उसके द्वारा उसके घर की लाइट काट देने की बात कही गई। मानकलाल जैसे ही छत से नीचे उतरा, घसीटा उससे लिपटने के साथ ही गाली गलौज करने लगा और अपने दांतों से आरोपी द्वारा मानकलाल की नाक उसके धड़ से अलग कर दी गई, जिसके बाद मानकलाल रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा और शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उसे बिजावर में मेडिकल के लिए भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उपरोक्त गंभीर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कहाँ से? गंज से जारी से। कौन सा थाना लगता है? पिपट थाना। क्या घटना हुई, किसने आपके साथ ये घटना? ये घटना शनिवार रात 8 बजे की है। मैं अपनी लाइट सुधार रहा था घर की, तो घसीटा नाम का व्यक्ति आया तो वो मुझे गाली देने लगा, बोला हमारी लाइट ख़राब क्यों कर दी। मैंने कि जब तुम्हारे यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं है, तुम्हारा कनेक्शन दूसरे खम्भे से, तो तुम्हारी लाइट कहाँ से लाइट ख़राब हो। तो मैं जैसे ही अपने चादर घर की चादर से नीचे उतरा तो वो मुझे पकड़ गया और गाली गलौज करके मुझसे लिपट गया। वो मेरा उसने मोबाइल भी फोड़ दिया पहले, फिर मेरी नाक मुँह में भर ली, उसने दाँतों से बिल्कुल काट के अलग कर दिया। कैसे आया आप? कहाँ आए? मैं फिर अपना चाचा का लड़का है तो मैं उसके साथ पिपट थाने गया, तो पिपट थाने वालों ने मुझे बिजावर के लिए बोला कि डॉक्टर ही करवा के, तो मैं डॉक्टर वहाँ बिजावर गया, तो बिजावर वालों ने मुझे फिर यहाँ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कटी हुई नाक भी लेकर आए? जी जी, कटी हुई नाक भी साथ में लेकर आ गए थे, तो वो ही उनने मतलब सर्जरी करी है। अब पता नहीं जैसे पंजीबद्ध हो गया जी, थाने पिपट थाने में मामला पंजीबद्ध हो गया। आरोपी फरार है कि पकड़ गए? नहीं, अभी नहीं पकड़े हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। वो छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।